3/10/2018 को अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयोग संघ की एक बैठक निरीक्षण भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता रंजीत सिंह काका व संचालन राहुल सेवक ने किया। बैठक में जिला व महानगर व मंडल के नए पदों पर सर्जन किया गया, जिसमें दामोदर राणा को युवा मंडल अध्यक्ष, मयंक हंसराज को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अभिषेक रत्नाकर को जिला प्रचार मंत्री, महेंद्र भारती को जिला संगठन मंत्री, रिंकू वाल्मीकि को जिला संगठन मंत्री पद पर मनोनीत किया गया। बैठक में आगामी 7 अक्टूबर 2018 को होने वाले आदर्श व नवयुवक संघ की संयुक्त प्रतिनिधि अधिवेशन को विशाल, भव्य व सफल बनाने पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बैठक में मुख्य रूप से फकीर चंद नागवंशी, रोहित वाल्मीकि, सिद्धांत भारती, राहुल भारती, राजीव भारती, निहाल वाल्मीकि, अमरदीप वाल्मीकि, अमरजीत सिंह आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित। आज आदि धर्म समाज आगामी 7 अक्टूबर को पंचायत भवन में दिन रविवार को आदि धर्म समाज आदर्श का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें देश और प्रदेश के आदि धर्म समाज वाल्मीकि नवयुवक संघ के प्रतिनिधि भाग लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध गायक हंस राज हंस जी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग मुख्य अतिथि होंगे, मंत्री दिलेर सदस्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत विशेष अतिथि होंगे, बहन कुमारी गीता साधवी इसमें क्या रहे विशेष अतिथि होंगी, और नवयुवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमकार सिंह इंडिया और राष्ट्रीय संयोजक भाई सुनील राजदान प्रमुख हिस्सा लेंगे। और इसमें भारत के आदि धर्म समाज और वाल्मीकि नवयुवक संघ के पदाधिकारी 22 प्रांतों के लोग इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये हमारे मुरादाबाद की बात है, क्योंकि 22 साल बाद 1996 के अंदर आदि धर्म समाज का आदर्श का अधिवेशन हुआ था। आज पूरा वाल्मीकि समाज का मुरादाबाद का सौभाग्य है कि हमें पूरा जिम्मेदारी मिली है कि हम राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं। इस अधिवेशन के अंदर मंडल भर के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है, भारत सरकार और प्रदेश सरकार को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि इसमें दोनों ही देश और प्रदेश के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। सरकार की इसमें मुख्य रूप से हम लोग वाल्मीकि समाज की विशेष कर जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करेंगे, और जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि अधिवेशन होगा उसमें जो चर्चा होगी, जो प्रस्ताव पारित होंगे, देश और प्रदेश के जो प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे भारत सरकार और प्रदेश सरकार के, उनको वाल्मीकि समाज की समस्याओं पर ऊपर इसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति जनजाति आयोग मतलब आरक्षण का जो अभी तक लाभ नहीं मिला है, हमारी मांग है कि वाल्मीकि सफाई मजदूरों को अनुसूचित जाति के आरक्षण में से अलग से आरक्षण दिया जाए या ST का दर्जा देकर वाल्मीकि समाज को लाभ दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज भारत के अंदर सफाई मजदूरों का निजीकरण किया जा रहा है, कभी संविदा के नाम पर, कभी आउटसोर्सिंग के नाम पर, कभी ठेका प्रथा के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। हम इसमें मांग रखेंगे कि पूरे भारत के अंदर वाल्मीकि सफाई मजदूरों के ठेका प्रथा बंद कर हेल्प मैनुअल एक्ट के अनुसार सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती की जाए, और जो ठेका संविदा के अंदर कर्मचारी हमारे 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं उनको स्थायी कर दिया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि मुरादाबाद के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जनप्रतिनिधि जो है ये मांग कर रहा है कि मुरादाबाद के अंदर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, हम भी ये चाहते हैं, हमारे दोनों संगठन भी ये चाहते हैं कि वाल्मीकि यहाँ पर क्या नाम है जो विश्वविद्यालय की स्थापना हो। एक मांग हमारी ये है कि विश्वविद्यालय की स्थापना हो लेकिन इसका नाम भगवान वाल्मीकि विश्वविद्यालय होना चाहिए। सबसे जटिल हमारी मांग है, आप देख रहे होंगे कि विदेशों पर्वों के ऊपर तो राष्ट्रीय अवकाश है, जैसे कि आप आ जाइए कि क्या नाम है जो 25 दिसंबर को एक पर्व होता है जिसको कहते हैं क्रिसमस डे, ना तो यीशु मसीह जी की माँ पैदा हुई हिंदुस्तान के अंदर ना बाप पैदा हुए, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश दिया जा रहा है। लेकिन रामायण के रचयिता, माँ सीता के रक्षक, लव कुश के शिक्षक और हिंदू धर्म की संस्कृति को लिखने वाले भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर अवकाश ना होना हिंदू धर्म के साथ साथ में वाल्मीकि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। हम ये चार जटिल समस्याओं को लेकर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को हम के समक्ष हम रखने जा रहे हैं, और हम मांग करेंगे इसमें कि 2019 के चुनाव में से पहले हमारी बात को सुना जाए, हमारी बातों को माना जाए, और अगर हमारी बात को नहीं माना जाता है
तो बहुत जल्द हम इसमें ये भी प्रस्ताव करने जा रहे हैं 7 तारीख को कि जनवरी के अंदर पूरे भारत का वाल्मीकि समाज जंतर मंतर पर दिल्ली पर इकट्ठा होगा और अनिश्चितकालीन वहां पर धरना प्रदर्शन करेगा।